All right, guys, here we talk about those important issues जिस पर गोदी मीडिया बिल्कुल बात नहीं करता, और अगर उन इश्यूज पर गोदी मीडिया से बात की जाए तो वो कहते हैं ये ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। Still nation wants to know, क्या रूबिका जी आपका कोई भाई है? That's not important. We have so many important issues. If you like in this series, please press subscribe and share the video. तो करना। Don't you think so? This pattern, guys. Can't you see that? So many matters. Honorable Supreme Court is saying something which government is not liking. I mean, if you note it down, first on electoral bond, कि ये unconstitutional है. Now their verdict on VVPAT. VVPAT पर्चियों की पूरी गिनती की मांग. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब. एंड वन मोर ऑन CBI एंड ED. उनका कहना है ये CBI को सिर्फ उन्हीं मामलों पर ध्यान देना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के खिलाफ अपराध से जुड़े हैं. सोचने वाली बात है, हर बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरफेयर क्यों करना पड़ रहा है. एंड इट्स अ फूड फॉर थॉट, व्हाई एवरी डिसीजन इज कमिंग थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स चेंजिंग द इंटायर गेम. मतलब कहीं तो कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ हुआ था तभी वहां तक जाना पड़ा. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. वन आर्ग्यूमेंट गाइस, व्हेन यू से दैट यार डॉलर रुपी में बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, रुपीस की महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हम किधर जा रहे हैं, तो आपको एक समझदार आगे बताएगा कि टैक्स कलेक्शन नहीं देख रहे हो कितना कमाल का हुआ है. कमाल का हुआ है. यू विल गेट दिस फ्रॉम सो मेनी पीपल, सरकार ने क्या कमाल का कलेक्शन कर दिया है. बट आई डोंट अंडरस्टैंड दैट गाइस, ऐसा कमाया तो भी क्या कमाया है. रेलवे में सीनियर सिटीजन को जो कंसेशन मिलता था, छूट मिलती थी, उसको रोक के गवर्नमेंट ने 5,800 करोड़ रुपए कमाए पिछले 4 सालों में. वो क्या है ना कि वो मेरा वोट बैंक नहीं है छोटे, पर इंसानियत चिकारा भाई. वो क्या होती है, मतलब सीरियसली, मतलब बॉन्ड की हालत देख लो यार, इतने करोड़ों के बॉन्ड ले लिए, हमारे बुजुर्गों का थोड़ा ध्यान रख लेते. एंड चलो आपने कमाल कर दिया, पैसे कमा लिए, बट वॉट अबाउट द कंडीशन ऑफ रेलवे. एवरी डैम वीक वी कैन सी वन वीडियो कि कोई चढ़ रहा है, कोई बाथरूम में बैठा है, कोई रेलवे के नीचे से घुसा हुआ है, अभी एक और आया, ये चढ़ के जा रहा है. ये हमारे देश की जनता है. वाह मोदी जी, वाह वाह वाह. अब बातें हम बुलेट ट्रेन की कर रहे हैं, क्यों क्यों इतना. स्टिल इफ द बुलेट ट्रेन विल रन आई विल बी रियली हैप्पी. और फेंकने की बात की जाए तो ये प्रोसेस होती कैसे, और ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड. फेंकने का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए आता है, जब आपको कोई रोकता नहीं है तो आप फेंकते हो, इतना फेंकते हो, इतना फेंकते हो कि आप भूल जाते हो कि आप कितना फेंकने लगे हो. फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको. एक भाई साहब बहुत फेंका करते थे, आज सुप्रीम कोर्ट से उनको डांट पड़ी. आई एम टॉकिंग अबाउट बाबा रामदेव, द बिगेस्ट बार ऑफ दीज न्यूज चैनल. मतलब लिटरली उन्होंने अर्णव को गोदी में ले लिया था. कम ऑन, आई हैव अ प्रूफ. मजा आ गया. दीज न्यूज चैनल्स आर ग्रीडी मदरफकर्स, बस पैसा चाहिए, तो इन्होंने ऐड की. और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है, ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है, क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए. और ऐड की, फिर फेंकने लगे, फिर झूठ बोलने लगे, और वो विज्ञापन भ्रामक विज्ञापन बन गए. और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम कर क्या रहे हो. फिर बाबा रामदेव जी को साथ कुछ ऐसा हुआ आज. बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे. सही. इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर हिज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स ही सेड सॉरी. या ही सेड सॉरी, द सेम गाय हु यूज्ड टू से दिस. मैंने कहा था पूछ पाड़ेगा मेरी, तो बेसिकली पूछ पाड़ दी. मैं बता रहा हूँ ना, अहंकार नहीं टिकता ब्रो. उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को. एंड ड्यूरिंग द कोरोना टाइम इफ यू रिमेम्बर ही वॉज सेलिंग कोरोनिल विद द हेल्प ऑफ 2 ministers. ओके, और यही मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सॉरी बोला है. अब बाकी दोनों क्या करेंगे. सफेद कपड़ा, ओ ओ. एंड ट्रस्ट मी, ये भी फेंक ही रहे थे, कोरोनिल से कोरोना का इलाज करने निकल गए थे. सरकारी मंत्री आके इनके साथ फोटो ले रहे थे कि नहीं नहीं सही किया बाबा जी. आइयो बहनों, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ डॉक्टर्स डेथ. 1,000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए, कल क्या समाचार. एंड व्हेन यू आस्क हिम अबाउट, सर आपने तो कहा था काला धन वापस आएगा, रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हिज रिएक्शन मस्ट बी लाइक दिस मीम. सो डोंट वरी गाइस, देयर इज अ स्टॉपेज ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ. अति हर चीज की बुरी होती है. एंड आई थिंक आप वालों के साथ भी कुछ ज्यादा ही हो रहा था. सो नाउ फाइनली इज मेन लीडर मिस्टर संजय सिंह केम आउट. संजय सिंह मैटर टुडे लिस्टेड फॉर द आर्गुमेंट एंड संजय सिंह हैज बीन ग्रांटेड बेल
And the most astonishing factor that Sanjay Singh has been granted bail because ED did not argue their case at all and conceded on the bail because it was all apparent during the hearing and it was made clear by the judges. Honorable judges has made it clear before lunch that the against Sanjay Singh, there is no credible material to make a case against him. That he can speak really well. If you want me to remind you, that was the bit. Kapoot kehlate hain, jo sampattiyon ko badhate hain, wo log kapoot kehlate hain, jo sampattiyon ko bechne ka kaam karte hain. Kapoot sarkaar chal rahi hai sir is desh ke. And during the corona time, I remember it clearly, Mr. Sanjay Singh said, abhi aa jayenge, abhi aap ab bas thoda sa intezar kijiye, bas ab dekhiye aap, light camera action shuru hone wala hai, bas thoda intezar kijiye, abhi roenge aake TV pe aake ro denge. पूरा देश का चैनल चलाने लगेगा, सब भावुक हो गए, सब रोने लगे, सब बस चलो ताली थाली बजाओ कि पता नहीं लोगों को कैसे भूल गए सब. बिना ऑक्सीजन के इतने सारे लोगों की जाने चली गई थी, बहुत दुख की बात है ये. इन्होंने कहा था कि मोदी जी आके टीवी पे रोएंगे एंड इट हैपेंड. अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं. इट हैपेंड एंड सो ही न्यू इट मोदी जी क्वाइट वेल. ऑल्सो मोदी जी के पार्टी के नेताओं के बारे में बात करते हैं, वो चीज सेइंग हो या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है, वही लोकतंत्र है. उनको शायद पता नहीं है लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है. लोकतंत्र की परिभाषा वो बता रही है जिसे 2014 में आजादी हुई. वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी. ओ कम ऑन, एटलीस्ट पीपल शुड नॉट बाय दिस फ्रॉम हर. व्हाई इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम हियर. ये सारा खेल एजुकेशन का है. ये वही हार्वर्ड और हार्डवर्क का फर्क है. अबाउट एजुकेशन, बच्चा पैदा होता है तो पहले उसका रोना सुनना चाहिए. ये नहीं कि वो आई बोल रहा है या एआई बोल रहा है. ये 2014 में आजादी मिली, उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट्स. रूबिका जी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी. आज उन्होंने एक ट्वीट लिखा. ट्वीट में था ये, इको सिस्टम बिलबिला रहा है, समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट. मैं भी बहुत गलतियां करता हूं, पर मैं इतना बड़ा बंदा नहीं हूं. पर फिर भी आप इकोसिस्टम की स्पेलिंग तो ठीक लिखो रूबिका जी. सी, यही प्रॉब्लम है. एजुकेशन हर जगह अच्छी तरीके से होनी चाहिए. 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज की जरूरत नहीं है. लोगों को फ्री का राशन मत दो, उनको फ्री की एजुकेशन दो ताकि वो अपनी जीविका खुद कमा सके. लेकिन 18% जीएसटी, यू नो दैट. जीएसटी पढ़ने लिखने की चीजों पर ज्यादा कर दी गई है. अभी मोदी जी ने इतने स्टेटमेंट दिए, ये दोनों एंकर सिर हिला रहे थे ऐसे ऐसे करके, कितनी सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी, एक सवाल नहीं पूछा गया. दैट्स व्हाई एजुकेशन इज ऑलवेज द प्रायोरिटी. उसी से देश और आगे बढ़ेगा. और ये गोदी मीडिया लोगों को और बुद्धू बनाता जा रहा है. मतलब पूरा इको सिस्टम ही खराब कर रखा है. वन मोर क्वेश्चन रूबिका जी, इज ही योर ब्रदर? सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड. तो ऐसी डिफेंड करते रहेंगे ये. पर कभी कभार विपक्ष के लोगों को बोलने को मिल जाता है और वो चीज वायरल हो जाती है. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सुनने लायक है. ये तो पार्टी पूटी मत करना, बट ये तो करना चाहिए था ना मोदी जी को. अंजना जी, हाँ. दिखाइए थोड़ी सी भी नैतिकता देश के प्रधानमंत्री में बची हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें वो भ्रष्टाचार के ऊपर, और 150 पत्रकार वहां बैठकर और 2-4 सवाल उनसे पूछने के साथ, वो भ्रष्टाचार की आपकी परिभाषा क्या है और कौन कौन लोग इसमें देश में भ्रष्टाचारी हैं. आप आरोप की बात कर रहे हैं, आरोप तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे सीधे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा गलत तरीके से लिया गया, चंदा लेकर और धंधा दिया गया, तो क्या ईडी वहां पर जाएगी? सो यार, पिछले 10 साल से लोग पूछ रहे हैं क्यों नहीं हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों नहीं हो रही है. यार ये तो बहुत पुरानी बात हो गई. बहुत ध्यान से दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों. और ये जो मेरे वीडियोस हैं, मैं रोज बनाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए, पर वो पहुंच नहीं पा रहे. थैंक्स टू, मैं हमेशा टाइम पे आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं, पर वो डिले हो जाता है 1-2 दिन का 3 दिन का, तो थोड़ा समझना. लव यू 3000. इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. तो करना.